कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में जांच की कमान केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने संभाल ली है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि सीएम ममता किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें आज जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि पहले 48 घंटे सबूत जुटाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ममता बनर्जी ने बयान दिया कि जब यह अपराध हुआ तो उन्होंने कहा था कि वह कुछ दिनों के बाद मामले को सीबीआई को सौंप देंगी। उनसे सवाल है कि कुछ दिनों के बाद क्यों, मामला तुरंत सीबीआई को क्यों नहीं दिया गया जिससे निष्पक्ष जांच होती। साथ ही क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन है, ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ उसके एक दिन बाद, कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे ये सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों, तुरंत क्यों नहीं, जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। और मैं अभी बताऊंगा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है इस पे। तो ये जो कुछ दिन के बाद कहा, इसमें किस तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है,